नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया और इसमें बाकी राजनीतिक दल भी साथ आ गए और अब तो पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी साथ देने की बात कही है। उन्होंने केंद्र से कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन को गंभीरता से ले। मुझे उम्मीद है कि सरकार को समझ आएगी और वो मुद्दे के समाधान के लिए इसका संज्ञान भी लेगी। यदि यह गतिरोध जारी रहता है तो प्रदर्शन दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश भर से लोग प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात कही है शरद पवार ने। उन्हें किसानों के साथ खड़ा भी होना चाहिए क्योंकि वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें तो खालिस्तानियों के साथ, पीएफआई के साथ, शाहीनबाग वाली दादी के साथ, सबके साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि इन सबका एक ही मुख्य मुद्दा है, मोदी सरकार का विरोध करना। इसलिए तो बहती गंगा में सब हाथ धोने चले आए हैं। उससे पहले ये नेता अपने गिरबान में झांकना भूल जाते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पोल तो हम पहले ही खोल चुके हैं, अब शरद पवार की राजनीति को भी समझ लीजिए। अब खुद ही सोचिए कि इन्हें क्या चाहिए। पहले ये खुद जिस चीज की मांग करते हैं वो मांग जब पूरी हो जाती है तो फिर भी चिल्लाते फिरते हैं। मतलब इनकी हालत बच्चों जैसी है कि हमें लॉलीपॉप भी चाहिए, हमें खिलौना भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और जब सब कुछ मिल जाए फिर भी नाराज कि हमें ये वाला नहीं वो वाला चाहिए था। यानी ये अपनी अलग ही उल्टी गंगा बहा रहे हैं। बता दें कि इस समय शरद पवार की हालत भी कुछ ऐसी बच्चों वाली है और वो किसान आंदोलन को लेकर 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब शरद पवार खुद कृषि मंत्रालय संभाल रहे थे तब उन्होंने मुक्त बाजार की वकालत की थी, तब तो वो सीना चौड़ा करके इस मांग को उठाते थे। जब यही मांग पूरी हो चुकी है तो विरोध किस बात का। बता दें कि उन्होंने कृषि उपज विपणन समिति कानून में संशोधन के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था ताकि कृषि के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। अब इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही। अब लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये लोग चाहते क्या हैं। पहले कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जो वादे करती है वो केंद्र सरकार ने पूरे कर दिए, तब भी हो हल्ला मचाए हुए बैठी है। किसानों के नाम पर एक किस तरह का गंदा खेल खेला जा रहा है आप इस बात को समझिए। दैनिक जागरण ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कृषि मंत्री रहते हुए पवार ने एपीएमसी कानून में जिन सुधारों की बात कही थी, मोदी सरकार ने कृषि कानून में वही बदलाव किए हैं। यहां तक कि इस मामले को लेकर शरद पवार ने 2010 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को एक पत्र भी लिखा था। पवार ने उसमें कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से काम करने वाले बाजारों की आवश्यकता है। एपीएमसी कानून में संशोधन का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में पवार ने कहा था कि कोल्ड चेन समेत बुनियादी बाजार ढांचे में सुधार के लिए भारी निवेश की जरूरत है। इसके लिए निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी आवश्यक है, जिसके लिए उचित नियामक और नीतिगत माहौल बनाना जरूरी है। इसी तरह का एक और पत्र उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी लिखा था। इसमें भी उन्होंने वही बातें दोहराई। उन्होंने कहा था कि मौजूदा एपीएमसी कानून में संशोधन की जरूरत है ताकि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकल्प उपलब्ध कराने में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जो किसानों, उपभोक्ताओं और कृषि व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। तो अब इन्हें क्या कमी नजर आ रही है? मतलब साफ है कि अगर इन्होंने ये सब लागू करवाया होता तो ये कानून बहुत अच्छा होता और मोदी सरकार करे तो ये किसानों की रोटी छीनने वाला कैसे हो सकता है। कृषि बिलों पर हो हल्ला मचाने वाले पवार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वाली यूपीए सरकार में कृषि मंत्री के साथ ही जन वितरण, उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्री भी थे। तो अब सवाल यही कि आखिर पवार ने जिन कृषि कानूनों की हिमायत की थी, जिन कृषि कानूनों के लिए बात कर रहे थे, अब उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अपना बच्चा है तो सब सही है और दूसरे का है तो दुत्कार दो। बाहरी राजनीति, कैसे भोले भाले किसानों को खेतों से निकालकर सड़कों पर ले आए। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा चलता था उन किसानों को बरगलाकर सैनिकों के सामने खड़ा कर दिया। जो किसान धरती का सीना चीरकर सोना निकाल दे उन किसानों को नेताओं ने आज बलि का बकरा बना दिया है। ऐसी राजनीति पर आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।